लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरवल्स इन एस्टिमेशन प्रोसेस। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि एस्टिमेशन जो होती है ना, एस्टिमेशन के बेसिकली दो प्रोसीजर होते हैं। एस्टिमेटर के दो तरह के एस्टिमेटर होते हैं, एक होता है पॉइंट एस्टिमेटर, एक होता है इंटरवल एस्टिमेटर। हमने किसको डील किया अभी तक, पॉइंट एस्टिमेटर को। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इंटरवल एस्टिमेटर की। इंटरवल एस्टिमेटर को बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन आवर लाइफ जो हमारे डिसीजन होते हैं एस्टिमेशन के, वो इंटरवल्स में होते हैं। ठीक है, कि वन थिंग इन माइंड, जितने भी हमारे मोस्टली हमारे डिसीजन जो होते हैं, वो हमारे डिसीजन किस पे बेस करते हैं, मोस्टली बेस्ड ऑन रेंज। और रेंज किस में होती है, इंटरवल्स में होती है। ठीक है ना, सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरवल्स। बेसिकली दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, बट इट इज़ कंपल्सरी आल्सो। सो अब ये क्या कहते हैं, एस्टिमेशन में हम देखते हैं कि ये देखो, ये जो होता है ना हमारे, ये सेंट्रल लाइन जो है, ये क्या है, हमारा पॉइंट एस्टिमेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन USA फाउंड टू बी 37%। ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ, चलो हम जनरली बात करते हैं, USA की बात नहीं करते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी 37 सेल्सियस डिग्री। ये हम कहते हैं फॉरनहाइट, लेते हैं 98 फॉरनहाइट। तो ये क्या है, एक पॉइंट एस्टिमेट है हमारा। पॉइंट एस्टिमेट मींस वो जो सिंगल वैल्यू है। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फाउंड टू बी 94 फॉरनहाइट टू 99 फॉरनहाइट। तो ये क्या हो कि रेंज हो गई। ठीक है, इट मे डिविएट फ्रॉम 98 से ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, तो लिटिल इन्फॉर्मेशन को इंटरवल्स इन एस्टिमेशन प्रोसेस हम देखी। ठीक है, अब हम रेंज इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इंटरवल जो 96 से 99 का जो इंटरवल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज। देखो, जितना बात करते हैं वो कि जितना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा रिज़ल्ट है 70% एक्यूरेट है, या मैं ये कहता हूँ हमारा जो रिज़ल्ट है वो 65 से 75% एक्यूरेट है। किस में हमारा ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, किस वैल्यू में हमारा ज़्यादा होगा, 70 पे नहीं होगा क्योंकि 70 से डिविएट कर सकता है सैम्पल का रिजल्ट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द रेंज, व्हेन यू टॉक अबाउट 65 to 75, आवर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज दैट येस आवर द रिजल्ट ऑफ द सैम्पल माइट फॉल इन समवेयर अराउंड इन 65 to 75। तो ये सेंस बनती है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, उससे क्या होगा, विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी इंक्रीज हुआ ना 65 से 75। ठीक है, तो जितना बड़ा इंटरवल होगा उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एक्यूरेसी आल्सो इंक्रीज, इससे क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती है। जैसे मैंने कहा कि मैं कहता हूँ कि 75 हमारी जो क्लास, मैं कहता हूँ हम एक अजम्पशन लेते हैं। ठीक है, अजम्पशन नहीं लेते, हमारी यूनिवर्सिटी में ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 50% बॉयज़ हैं, 50% गर्ल्स हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि 60% गर्ल्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये क्या है, एक एस्टिमेशन है। ठीक है, एस्टिमेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में 60% गर्ल्स हैं। ठीक है, ये क्या एस्टिमेशन है। अगर मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में 55 से 65% गर्ल्स हैं, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस किस में ज़्यादा होगा, 65 से 55 की वैल्यू में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, उसका इंटरवल भी क्या है, ज़्यादा है। एक्यूरेसी भी किसकी ज़्यादा हो सकती है, इस रेंज की। वाई, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आंसर इज़ मोर। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ऐसे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई तो एक्यूरेसी भी बढ़ गई। ठीक है, एक्यूरेसी, व्हाट इज अबाउट एक्यूरेसी, इट्स अबाउट अनसर्टेनिटीज, समथिंग विच इज अनसर्टेन, हम उसकी एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सब चीज़ें तो इंक्रीज होती हैं ऐसे, एक अहम चीज़ क्या होती है, कम होती है, जो हमारी नीड है। बट प्रिसीजन गोज बॉन्ड, प्रिसीजन क्या होती है, हाउ प्रिसाइज आवर रिजल्ट इज। आप यहाँ पे प्रिसीजन वो वाला नहीं है, एक्यूरेट वाला, एक्यूरेट का सिग्नल नहीं है। हाउ प्रिसाइज मीन्स जो सैंपल का रिजल्ट है वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू के कितना इर्द गिर्द है, कितनी दूर है उसे। ठीक है, जितना ज़्यादा रेंज होगी उतना वो दूर होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, रेंज जितनी कम होगी उतना वो करीब होगा। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट इंटरवल्स। ठीक है, इस बात की समझ आई, ये हमारे पास लाइन है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये हमारे पास तीन ग्राफ हैं आपके पास। ठीक है, अब इस तीन ग्राफ में आप देखें, फर्स्ट ग्राफ में क्या है हमारे पास,
इंटरवल बहुत ही छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट में फिर थोड़ा सा इंटरवल और बढ़ गया, ठीक है। फिर लास्ट में थर्ड में इंटरवल और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो अब ये ग्राफ देख के साफ सी बात है हमारे दिमाग में क्या बात आएगी, जो फर्स्ट वाला ग्राफ है जिसका इंटरवल छोटा है, ठीक है, उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। और वो वाला ग्राफ जिसका इससे बड़ा है, जिसके इंटरवल बड़ा होगा, उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेम इज़ द थिंग हियर, देखिए ये 90% कॉन्फिडेंस लेवल है हमारा, यहाँ पे 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, यहाँ पे 99% कॉन्फिडेंस लेवल है। वाई आवर कॉन्फिडेंस लेवल इज इंक्रीजिंग, बिकॉज द इंटरवल, द साइज ऑफ इंटरवल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एज द साइज ऑफ इंटरवल इंक्रीज, आवर कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो इंक्रीज। ऑन द सेम हैंड आवर एक्यूरेसी ऑल्सो इंक्रीज, बट आवर प्रिसीजन गोज डाउन। ओके, अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इंटरवल एग्जाम्पल। अब जो हमने इंटरवल की डिस्क्रिप्शन की सारी, ठीक है, इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए। वो क्या है हमारे पास, देखिए वो कहते हैं सपोज यू आर वाचिंग द वेदर फॉरकास्ट, ठीक है, क्या है, आप क्या हो, आप वेदर एनालिस्ट हो, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो वेदर को के नेक्स्ट वीक में जो मौसम की सूरत हाल रहेगी, जो वेदर की कंडीशन रहेगी पाकिस्तान में वो क्या रहेगी, ठीक है। आप देखते हो कि एंड यू आर टोल्ड दैट द नेक्स्ट डे लो लेवल इज 19 फॉरनहाइट एंड द हाई लेवल इज 110 फॉरनहाइट, ठीक है, ओके। वो कहता है कि जो फॉरनहाइट में जो लोएस्ट टेम्परेचर हो सकता है वो -20 हो सकता है, जो हाईएस्ट हो सकता है वो 110 हो सकता है। यहाँ दूसरे बात में सेल्सियस बात करें तो मैं कहता हूँ कि लो लेवल में 20 सेल्सियस, ठीक है, जो कोल्ड होता है, ठीक है, और हाई लेवल में मैं कहता हूँ 40, जो कि वार्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, ये रिजल्ट, ये जो हमने एस्टिमेट लगाया, इज़ इट प्रोडक्टिव एस्टिमेट, इट इज वैल्यूएबल, डज इट हैव वैल्यू, इट इज़ वर्थेबल, नो, बिकॉज दिस रिजल्ट इज़ नॉट गिविंग अस बेनिफिट। इट्स रेंज इज हायर, इट्स कॉन्फिडेंस लेवल इज़ हायर, एक्यूरेसी इज हायर, एक्यूरेसी इज हायर, बट प्रिसीजन इज नॉट। ओके, लाइक लुक एट दिस, इज इज एक्यूरेट, मोस्ट लाइकली येस इट्स एक्यूरेट, बट क्वेश्चन ये है, अब मुझे क्या पता कि जो नेक्स्ट डे आने वाला है उसमें मैंने क्या फैसला लेना है, क्योंकि टेम्परेचर की रेंज ही इतनी है, कल गर्मी हो गया, सर्दी, मुझे नहीं पता, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। हम एस्टिमेट क्यों लगाते हैं, उसका फ़ायदा उठा के उस एस्टिमेट का उस पर कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल जैकेट पहननी है, नहीं पहनी, मुझे नहीं पता, ठीक है, कल मैंने शॉप खोलनी है, नहीं खोलनी, मुझे नहीं पता, ठीक है। इसी तरह से कल जो है मैंने ज़मीन पे काश्तकारी करनी है, नहीं करनी, मौसम के हिसाब से करते हैं हम, ठीक है, तो हमें क्या पता। दैट इज़ वाई टुमारो टेम्परेचर इज़ प्रोबेबली गोइंग टू बी समवेयर बिटवीन -20 फॉरनहाइट एंड 100 फॉरनहाइट। हाउएवर इज़ दिस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव, और इन अदर वर्ड इट इज़ प्रिसाइज, नॉट रियली, ओके, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू फिगर आउट व्हाट टू वेयर टुमारो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। हमें पता ही नहीं हम क्या पहनेंगे, ठीक है, ओके, आर यू क्लियर अबाउट दिस, बाकी समझ आई इंटरवल के साइज़ की। तो हमने क्या सीखा कि इंटरवल का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि जो हमारे सैंपल्स होंगे उनका रिजल्ट बिल्कुल यही आएगा, ठीक है, गलती का चांस नहीं होगी, ठीक है, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, ठीक है, बट प्रिसीजन में डाउट होगा। एंड द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एस्टिमेशन एंड इट्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, यू आर न्यूज़पेपर रीडर, ऑन द फ्रंट पेज यू रीड support for the prime minister in is 45% in a poll with an error margin of 3%, ठीक है। अब यहाँ पे हम नई चीज़ें सीखेंगे, नई टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, लास्ट स्लाइड है, ठीक है। वो कहते हैं support for prime minister is 45%, 45% क्या है, प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट है। अब ये जो न्यूज़पेपर एक स्टेटमेंट है, ये हमें क्या बता रही है, क्या बता रही है, एस्टिमेट बता रही है, कौन सा एस्टिमेट बता रही है, कौन सा एस्टिमेट बता रही है, पॉइंट एस्टिमेट, आप लोग कहेंगे पॉइंट एस्टिमेट, बट ऑन द सेम हैंड इट इज़ आल्सो टॉकिंग अबाउट इंटरवल एस्टिमेट। समटाइम ऐसा होता है एक स्टेटमेंट में इंटरवल एस्टिमेट बता देता है और पॉइंट एस्टिमेट बता देता है। पॉइंट एस्टिमेट क्या है यहाँ पे 45%, ठीक है, बट इंटरवल एस्टिमेट क्या है, वो 3% मार्जिन ऑफ एरर है ना, वो हमें इंटरवल ही बता रहे हैं। 3% मार्जिन ऑफ एरर मीन्स दैट इट मे गोज अबव 45% विद द नंबर ऑफ 3, इट मे बी 48% एंड इट मे बी 42%, इट्स अ राउंड अबाउट रिजल्ट। तो ये एक स्टेटमेंट में दो इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। सपोर्ट फॉर द ओके, देर इज सम ट्रू लेवल ऑफ सपोर्ट इन द पॉपुलेशन, 45% इज अवर पॉइंट एस्टिमेट, 41% इज अवर इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द ट्रू वैल्यू।
5% सी होने सर, 45% सी होने 45% लेवल मारा है, ठीक है। 3% इज़ द मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर क्या है, ठीक है, आपको समझा गया उसकी, ठीक है। मार्जिन ऑफ एरर गिव द प्रिसीजन ऑफ आवर एस्टिमेट, सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, अ रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन बी 95% सर्टन कॉन्फिडेंस, ठीक है, हो गया। उसके बाद मार्जिन ऑफ एरर आ गया, डिग्री ऑफ एरर इन रिजल्ट रिसीव फ्रॉम रैंडम सैम्पलिंग सर्वेज, हम सर्वेज करते हैं रैंडम सैम्पलिंग के, उसका जो रिजल्ट आता है उसकी डिग्री देखते हैं एरर, कितना एरर है, ठीक है, कितना डिविएट कर रहे हैं ओरिजिनल रिजल्ट से। तो हमारे पास ये आ गया प्रिसीजन, ओके। अब लास्ट में हमारे क्वेश्चन में आता है, मोई शुड बी ग्रेटर और शॉर्टर, एग्जैक्टली इट शुड बी शॉर्टर, एग्जैक्टली इफ़ यू वॉन्ट एक्यूरेट रिजल्ट फ्रॉम द सैम्पल यू से इट शुड बी ग्रेटर, ओके, इट शुड बी ग्रेटर, यानी कि क्या आपका जो एस्टिमेट, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी। बट वेन यू टॉक अबाउट प्रिसीजन देन इट शुड बी लोअर, ओके। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत है या प्रिसीजन की ज़रूरत है, what we need is precision as a result, because we can benefit from precision but we cannot benefit from accuracy. If you want accuracy in, then you can increase your range of aim, okay, got it. So that is all about interval estimate and point estimate. Any question, you're welcome, thank you very much.